क्यों टाइगर को चाहने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और क्यों टाइगर की फिल्मों के लिए हो रहा है इतना ज्यादा इंतजार, जबकि टाइगर को बॉलीवुड में आए केवल 5 साल हुए हैं और इन 5 सालों में टाइगर की सिर्फ 5 फिल्में ही आई है। और दूसरी तरफ है वरुण धवन, जिन्होंने 7 सालों में 10 फिल्में कर डाली है, लेकिन आज के समय में यंग जनरेशन की पहली पसंद बने हुए हैं टाइगर श्रॉफ। और दोस्तों इसकी वजह कई सारी है, जैसे कि वरुण की फिल्मों में हमें डबल एक्टर दिखे हैं, जिससे फिल्मों में उनका इम्प्रेशन थोड़ा कम हो जाता है, जैसे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर, दिलवाले, ढिसुम और ABCD2। साथ ही दोस्तों में वरुण धवन की फिल्मों में कॉमेडी ही ज्यादा देखने को मिली है, एक्शन दिखा एवरेज, जैसे कि जुड़वा 2, मैं तेरा हीरो और बदलापुर। और जहाँ इन 7 सालों में वरुण धवन ने 10 फिल्में की है, उनमें से 2 फिल्में तो उनके पापा ने, 1 फिल्म उनके भाई ने और 3 फिल्में करण जौहर ने बनाई है। तो ऐसे में वरुण धवन की फिल्मों में वैरायटी होने के बावजूद वैरायटी कम दिखी। वहीं दोस्तों टाइगर श्रॉफ की 5 फिल्मों को देखा जाए तो इन 5 फिल्मों में टाइगर लीड करते दिखे हैं और ये 5 फिल्में बिल्कुल अलग दिखी है। साथ ही देखा जाए तो टाइगर ने हर बार एक अलग तरह की मूवी करने की कोशिश की है, लेकिन इन फिल्मों में टाइगर श्रॉफ के एक्शन दर्शकों को अव्वल लगे और टाइगर श्रॉफ के एक्शन और उनके डांस स्किल है जो उन्हें बाकी स्टारों से अलग और खास बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों टाइगर श्रॉफ जैसा एक्शन फिलहाल तो बॉलीवुड में कोई नहीं कर सकता है। साथ ही बॉलीवुड में टाइगर की तरह डांस करने वाले एक्टर भी काफी कम है। वहीं दोस्तों वरुण धवन का लुक काफी शानदार है, लेकिन टाइगर ने बागी 2 से अपना जो लुक बदला है उसे देख सब हो गए हैं हैरान। दोस्तों ये थे बॉलीवुड के 2 यंग एक्टर जिनके चाहने वालों की संख्या है करोड़ों में, लेकिन आगे के कुछ सालों में कौन मारेगा बाजी और फिर इन दोनों एक्टरों में से कौन कहलाएगा बॉलीवुड का पहला यंग सुपरस्टार, और दोस्तों इसका चुनाव करना होगा आपको। तो हमें कमेंट कर बताइए आपके हिसाब से कौन हो सकता है बॉलीवुड का पहला यंग सुपरस्टार। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।